Hello everyone, welcome back in another lecture. In this lecture, I am going to tell you some simple tricks to remember skeletal muscle relaxant. Okay, skeletal muscle relaxant decreases the muscle tone. तो skeletal muscle relaxant को learn करने के लिए उसकी classes बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं. हमें पहले focus करना है classes पे, because classes अगर हमने नहीं focus किया तो सारी दिक्कत कहाँ पे आएगी? जब हम ड्रग्स को लिख रहे होंगे तब, क्योंकि हमें क्लासेस नहीं लर्न है, और क्लासेस नहीं लर्न है तो हम लिखेंगे कहाँ पे? क्योंकि क्लासेस के अंदर ही तो हम किसी चीज को लिखेंगे, तो फोकस कहाँ करना है? क्लासेस पे. तो इसकी जो क्लासेस हैं स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन की, ये मेनली टू क्लास में क्लासिफाइड है. नंबर वन सेंट्रली एक्टिंग, नंबर वन सेंट्रली एक्टिंग, सेकेंड पेरीफेरली, सेंट्रली पेरीफेरली. ओके, स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट दो क्लास में क्लासिफाइड है, सेंट्रली एक्टिंग पेरिफेरली एक्टिंग. सेंट्रली एक्टिंग स्केलेटल मसल जो है, मसल रिलैक्सेंट, वो क्लासिफाइड है फोर क्लास में. ओके, फोर क्लास में. वो फोर क्लास कौन कौन सी हैं? ये सेंट्रली एक्टिंग हो गया, ये पेरिफेरली एक्टिंग. अब इनकी जो क्लासेज हैं, तो सेंट्रली एक्टिंग की फोर क्लासेज हैं, वो है गाबा मिमेटिक, मेफेंजिन, कॉन्जनर्स, सेंट्रल अल्फा टू एगोनिस्ट, बेंजोडियाज़ेपिन. ओके, इन्हें लर्न कैसे करेंगे ये ध्यान दीजिएगा. इन्हें लर्न करने के लिए ट्रिक है गेम कैन बेंड. तो हम ध्यान देते गेम कैन बेंड. हम गेम खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, लास्ट बॉल पे भी हमें नहीं पता होता है कि ये गेम इस ए टीम में जाएगा रिजल्ट या बी टीम में जाएगा. तो सेम चीज यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लिखा है गेम कैन बेंड. तो गेम कैन बेंड कैसे अप्लाई होता है ये देखिएगा. यहाँ पर गेम लिखा हुआ है, तो गेम का जो फर्स्ट टू लेटर है जी ए. ओके, जी ए इंडिकेट करता है गाबा मिमेटिक को. जी ए इंडिकेट करता है गाबा मिमेटिक को. देन एम ई इंडिकेट करता है मेफेंजिन कॉन्जनर्स, मेफेंजिन कॉन्जनर्स. उसके बाद कैन का फर्स्ट लेटर सी, और सी इंडिकेट करता है सेंट्रल अल्फा टू एगोनिस्ट, सेंट्रल अल्फा टू एगोनिस्ट. उसके बाद बेंड का बीई, बेंड का बीई इंडिकेट करता है बेंजोडियाज़ेपिन. कंप्लीट ये सेंट्रल, जो सेंट्रली एक्टिंग ड्रग्स थी वो फोर क्लासेस में क्लासिफाइड है. गेम कैन बेंड, गेम का जी ए गाबा मिमेटिक, एमई मेफेंजिन कॉन्जनर्स, कैन का सी सेंट्रल अल्फा टू एगोनिस्ट, देन बेंड का बीई बेंजोडियाज़ेपिन. उसके बाद आता है पेरिफेरली एक्टिंग. दो क्लासेस के मेन, सेंट्रल एंड पेरिफेरली. तो सेकंड पेरिफेरली एक्टिंग, इसमें जो पेरिफेरली एक्टिंग ड्रग्स जो है वो क्लासिफाइड है आपका दो क्लास में, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स और डायरेक्ट. ओके, डायरेक्टली एक्टिंग एजेंट्स. तो दो क्लासेस हैं, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स एंड डायरेक्टली एक्टिंग एजेंट्स. पेरिफेरल जो पेरिफेरली एक्ट कर रही है वो दो क्लासेस हैं, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स एंड डायरेक्टली एक्टिंग एजेंट्स. न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स और डायरेक्टली एक्टिंग एजेंट्स को लर्न करने के लिए यहां पर एन एंड डी है. एन से न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स एंड डी से डायरेक्टली एक्टिंग एजेंट्स. फिर न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स के अंदर दो क्लास हैं, नॉन डिपोलराइजिंग ब्लॉकर्स एंड डीपोलराइजिंग ब्लॉकर्स, और ये भी एन एंड डी से हैं. तो सेम ये ट्रिक एन और डी यहाँ भी यूज कर सकते हैं. एन से नॉन डिपोलराइजिंग ब्लॉकर्स एंड डी से डीपोलराइजिंग ब्लॉकर्स. तो गेम कैन बेंड, ये है ट्रिक आपकी क्लासेस ऑफ द स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट. अब हम आ जाते हैं ट्रिक्स पे, ड्रग की ट्रिक्स पे. तो इसके पहले मैं आपको एक स्टोरी बता दूं कि एक छोटी सी बच्ची थी जिसका नाम मेवा था, MIVA, और वो उसके पास बहुत छोटी थी, अप्रोक्स 5 ईयर्स की. तो उसके पास एक कैमरा था, वो बहुत पुराना सा कैमरा था. तो वो क्या हुआ, वो 5 ईयर्स से 15 ईयर्स तक वेट करती रह गई अपने फैमिली वालों का कि कोई उसे आके कहे कि मैं आपके लिए दूसरा कैमरा परचेज कर दूंगी. वो तरस गई एक नए कैमरे के लिए. तो उसने फाइनली लास्ट में क्या किया, जो पुराना कैमरा था वो क्विट कर दी, उसे छोड़ दी. तो सेम यहाँ पर ट्रिक मैंने अप्लाई किया है. मीवा क्रेव्ड फॉर पेट्स, मीवा क्रेव्ड मतलब तरस गई फॉर पेट्स, पेट्स मतलब थपथपाना, मतलब कि कोई घर का आके कह दे कि हाँ, थपथपा दे उसके पीठ पे कि आपको ये चीज चाहिए, मैं ये दिला दूंगा. क्रेव फॉर पेट्स डिकेड 10 सालों तक, क्विट
रेड कैप, वो पुराना कैमरा उसने छोड़ ही दिया क्योंकि वो बहुत बड़ी हो चुकी थी, 15 ईयर्स की, तो उसने छोड़ दिया। तो ये मैंने एक स्टोरी तैयार की आपको सिर्फ ट्रिक समझाने के लिए। अब ट्रिक अप्लाई कैसे होती है? विवा क्रेव फॉर पेट्स डिकेड क्विट बैड कैप, विवा क्रेव फॉर पेट्स डिकेड क्विट बैड कैप। अब ध्यान देना है कि ये कैसे अप्लाई होते हैं ड्रग्स इन पर। तो विवा जो लिखा हुआ है, तो सबसे पहली जो ड्रग है वो है MIVA से, और वो ड्रग है माइवाक्यूरियम। ओके, माइवाक्यूरियम। उसके बाद नेक्स्ट जो ड्रग है वो स्टार्ट होगी सी लेटर से, और वो सी लेटर है क्रेव्ड का फर्स्ट लेटर सी, और वो है सिसेट्राक्यूरियम, सिसेट्राक्यूरियम। ओके, देन आर, आर से जो ड्रग है वो है रोक्यूरोनियम। ओके, रोक्यूरोनियम एंड रैपाक्यूरोनियम, रोक्यूरोनियम एंड रैपाक्यूरोनियम। दोनों ड्रग सेम क्लास की हैं, आर लेटर से स्टार्ट है, दैट्स व्हाई मैंने इन्हें एक साथ लिख दिया। ओके, सी एंड आर कंप्लीट हो गया। अब आता है ए, ए से जो ड्रग है वो है एट्राक्यूरियम। कौन सी ड्रग है? एट्राक्यूरियम। ओके, एट्राक्यूरियम। उसके बाद आता है वी, वी से जो ड्रग है वो है वेक्यूरोनियम। ओके, वेक्यूरोनियम, ठीक, वी से ड्रग जो है वेक्यूरोनियम। उसके बाद आता है, सॉरी, वी एंड ई दोनों एक साथ यूज हुए हैं, वी एंड ई, यहां पर देखिए वी एंड ई एक साथ यूज हुआ है, वेक्यूरोनियम। ओके, उसके बाद आता है डी, तो डी से जो ड्रग है, डी से, वो है डॉक्सैक्यूरियम। वो कौन सी ड्रग है? डॉक्सैक्यूरियम। क्लियर? अब हम फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, विवा क्रेव्ड, तो विवा से माइवाक्यूरियम, उसके बाद क्रेव्ड का फर्स्ट लेटर सी है सिसेट्राक्यूरियम, आप यहां देखते रहिए सिसेट्राक्यूरियम, देन आर से जो है वो है रोक्यूरोनियम एंड रैपाक्यूरोनियम। ओके, रैपाक्यूरोनियम। उसके बाद ए से जो ड्रग है वो है एट्राक्यूरियम, एंड वी ई से जो ड्रग है वो है वेक्यूरोनियम, उसके बाद डी से जो ड्रग है वो है डॉक्सैक्यूरियम। क्लियर यहां तक? उसके बाद है फॉर, फॉर का कोई यूज नहीं है, ये सिर्फ उसे कनेक्ट करने के लिए पूरे वर्ड्स को यूज किया गया है। उसके बाद आप देखते हैं पैट्स, पैट्स मतलब होता है थपथपाना, मतलब किसी को जस्ट सराहना देना कि हाँ ये चीज हो जाएगा, तो उसी तरह से वो बच्ची परेशान थी कि मुझे कोई आगे थपथपाए, 10 साल तक वो वेट करती रही, क्रेव तरस नहीं, फॉर पैट्स, किसी की थपकी की आगे बोल दे कि नया कैमरा ला लूंगा, फॉर पैट्स डिकेड मतलब 10 ईयर्स तक। तो यहाँ पर पैट्स का जो फर्स्ट लेटर है पी एंड ए एक साथ यूज हुआ है, पी एंड ए एक साथ यूज हुआ है यहाँ पर आप देखिए, लेकिन हम सबसे पहले किसका यूज कर रहे हैं यहाँ पर? पी का। तो पी से जो ड्रग है वो है पाइपेक्यूरोनियम, पाइपेक्यूरोनियम। उसके बाद पी ए यूज हुआ है, पहले हमने पी का यूज किया, पहले सिर्फ पी, उसके बाद पी ए कंप्लीटली यूज करते हैं, तो जो पी ए से ड्रग है वो है पैनक्यूरोनियम। कौन सी है? पैनक्यूरोनियम। क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर पैट्स में टी, टी जो है वो इंडिकेट करता है डी ट्यूबोक्यूरिन, डी ट्यूबोक्यूरिन। ओके, तो नेक्स्ट ड्रग डी ट्यूबोक्यूरिन। उसके बाद एस, एस आ गया, एस से जो ड्रग है वो है सक्सिनिल कोलीन। कौन सी है? सक्सिनिल कोलीन, इट इज आल्सो नोन एज सक्सामेथोनियम, सक्सामेथोनियम। क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं, पैट्स में कौन कौन सी ड्रग थी एक बार देख लेते हैं, पाइपेक्यूरोनियम एंड पैनक्यूरोनियम। ओके, पाइपेक्यूरोनियम एंड पैनक्यूरोनियम। उसके बाद टी से जो ड्रग थी वो थी डी ट्यूबोक्यूरिन, डी ट्यूबोक्यूरिन। उसके बाद एस से जो ड्रग थी वो थी सक्सिनिल कोलीन। कौन सी? सक्सिनिल कोलीन, और ये सक्सामेथोनियम भी बोली जाती है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, पैट्स के बाद आता है डिकेड, तो डिकेड का डी ई सी ए, डिकेड का डी ई सी ए एक साथ यूज हुआ है, यहाँ पर सक्सामेथोनियम, यहाँ पर डेकामेथोनियम। क्या है? डेकामेथोनियम, डी ई सी ए। ओके, डेकामेथोनियम। उसके बाद इसका डी, नेक्स्ट लेटर क्या है? डी। तो नेक्स्ट जो डी है वो इंडिकेट करता है डेंड्रोलिन सोडियम को, इसे डेंड्रोलिन सोडियम। ओके, तो डेकामेथोनियम, डेंड्रोलिन सोडियम, दो ड्रग हो गई। उसके बाद ई, हियर इज नो मीन ऑफ ई, यहाँ पर ई का कोई भी यूज नहीं है, तो यहाँ पर फॉर का कोई यूज नहीं था, और यहाँ पर ई का,
डिकेड में, डिकेड मतलब 10 इयर्स, तो डिकेड में DECA डेका मेथोनियम और D का जो मतलब है डेंट्रोलिन सोडियम। उसके बाद आता है क्विट मतलब छोड़ देना। तो क्विट में दो ड्रग आती है कौन कौन सी, क्विनिन QUI क्विनिन एंड टी से टाइजेनिडिन। ओके टी से टाइजेनिडिन, तो दो ड्रग कौन कौन से, क्विनिन एंड टाइजेनिडिन। उसके बाद टी से टाइजेनिडिन, उसके बाद आता है बैड कैम। तो बैड से जो ड्रग है, बैड में BA का यूज हुआ है, BA का, और BA से जो ड्रग है वो है बैक्लोफेन। ओके बैक्लोफेन। उसके बाद डी से जो ड्रग है, यहां पर देखिए डी है, डी से जो ड्रग है डायजेपैम, डी से जो ड्रग है वो है डायजेपैम। उसके बाद आता है कैम, कैम मींस कैमरा, कैम का जो CA, जैसे यहाँ पर PA यूज हुआ था ना उसी तरह से CA भी यूज होगा। CA देखिए कैसे यूज होता है, तो CA में पहले हम C का यूज करते हैं, C का, तो C से जो ड्रग है वो है क्लोर्जोजैक्जोन, क्लोर्जोजैक्जोन पहली ड्रग, उसके बाद क्लोरमेजेनोन। ओके क्लोर्जोजैक्जोन एंड क्लोरमेजेनोन दो ड्रग हो गई सी से। अब हम पूरा CA का यूज करते हैं, पूरा CA का यूज करते हैं, और फिर कौन सी ड्रग है कैरिसोप्रोडोल, कैरिसोप्रोडोल ये CA का पूरा यूज करने पे ये ड्रग होती है। उसके बाद M, M से जो ड्रग है वो कौन सी है, मेथोकार्बामोल, मेथोकार्बामोल। तो M से कौन सी ड्रग है, मेथोकार्बामोल। तो यहां पर एक बार मैं आपको रिवाइज कराना चाहूंगा, गेम टैग ब्रांड, गेम का GA गाबा मिमेटिक ME मेफेंजिन कॉन्जनर्स, उसके बाद कैम सी सेंट्रल अल्फा टू एगोनिस्ट, बेंड का BE बेंजोडिएज़ेपिन्स एंड ND, एंड से जो है न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स एंड डायरेक्टली एक्टिंग एजेंट्स, एंड डी का फिल यूज करते हैं कहां पे, नॉन डिपोलराइजिंग ब्लॉकर्स एंड डिपोलराइजिंग ब्लॉकर्स, फिनिश गेम कैंपमेंट। उसके बाद मीवा क्रेव्ड फॉर पेट्स, मीवा क्रेव्ड तरस भी फॉर पेट्स थपकी के लिए, डिकेड 10 सालों तक, क्विट बैड गेम वो बैट कैम ही छोड़ दिया क्योंकि उसे न्यू कैम चाहिए था, तो 10 साल तक वो तरस गई थी तब के लिए कोई बोल दे कि नया कैम लगा दूंगा। तो मीवा जो है फर्स्ट ड्रग है माइवा क्यूरियम, उसके बाद क्रेब का सी सिसेट्रा क्यूरियम, देन आर रोक क्यूरोनियम एंड रेपा क्यूरोनियम, ओके देन ए एट्रा क्यूरियम, देन बीई वेक्यूरोनियम, देन डी डॉक्से क्यूरियम। ओके उसके बाद क्रेब हो गया, फिर फॉर का यहाँ पर कोई यूज नहीं, पैट्स में पी यूज होता है, फिर पी ए, तो पी जो है वो पाइपेक्यूरोनियम, उसके बाद पी ए पैनक्यूरोनियम, उसके बाद टी, टी से जो ड्रग है डी ट्यूबोक्यूरोरिन, ओके डी ट्यूबोक्यूरोरिन। उसके बाद एस से जो ड्रग है वो है सक्सिनिल कोलिन या सक्सामेथोनियम। क्लियर पैट्स खत्म। डिकेड, डिकेड में DECA डेका मेथोनियम, देन डी का यूज हुआ है डेंट्रोलिन सोडियम में, ई का कोई भी यूज नहीं है, हियर इज नो मीन ऑफ ई, डेका का यूज हुआ है और डी का, डेका में डेका मेथोनियम और डी का डेंट्रोलिन सोडियम। फिर क्विट, क्विट में QUII का, QUII का यूज हुआ है क्विनिन एंड डी का टाइजेनिडिन, ओके टाइजेनिडिन। उसके बाद बैड कैम, बैड कैम में BA का बैक्लोफेन, डी से डायजेपैम, उसके बाद कैम में जो ड्रग है वो है सी का पहले यूज हुआ है क्लोर्जोजैक्जोन पहली ड्रग, उसके बाद क्लोरमेजेनोन दूसरी ड्रग, उसके बाद कैरिसोप्रोडोल, जब सी ए कंप्लीट यूज हो जाता है तो कैरिसोप्रोडोल। ओके उसके बाद कैम का नेक्स्ट लेटर एम है वो है मेथोकार्बामोल, कौन सी ड्रग है मेथोकार्बामोल। तो ये ट्रिक थी स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन की, वीवा क्रीम फॉर पेट्स, डिकेड क्विट बैड कैम, वीवा क्रीम फॉर पेट्स, डिकेड क्विट बैड कैम। गेम कैन बेंड, गेम कभी भी चेंज हो सकता है, ए या बी किसी भी टीम की तरफ जा सकता है उसका रिजल्ट। तो इस ट्रिक को आप लर्न करिए, और मुझे जहां तक लगता है अगर आप इसे लर्न करते हैं तो इजीली आपको ड्रग्स लर्न हो जाएंगी, बाकी आप कितना इस पे फोकस करते हैं उस पे डिपेंड करता है। तो अगर आपको कोई भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए, और यह वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।